गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल हैं सब लोगों के? आज बड़ा फ्रेश फ्रेश फील कर रहा हूँ, शेव वेव करके एक अलग ही फील आ जाती है। एंड इट्स बीन रेनिंग सिंस लॉन्ग, आई थिंक रात से ही रेन हो रही है, तो मानसून का आगाज़ हो गया। वैसे तो जुलाई फर्स्ट वीक में आता है, बट एल नीनो इफेक्ट होता है एक, जिसकी वजह से शायद पहले आ रहा है मानसून, बट लेट्स सी। अच्छा है मानसून टाइम से आ रहा है और अच्छी से बारिश हो जाए तो वाटर लेवल्स आर यू नो बैक एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड, और मौसम के हिसाब से चले। इस बार जैसे गर्मी नहीं पड़ी तो इट इज़ नॉट गुड, बट ठीक है, नहीं पड़ी तो हमारे लिए अच्छा है, बट ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा नहीं है। निकल रहा हूँ मैं ऑफिस और मिलते हैं आपको शाम को, ठीक है? बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल जी? खाना खाने जा रहे हैं हम लोग, रिदा जा चुके हैं नीचे, अब हम भी चले हैं। मुंह में मत डालो रिदा। तो हम खेल रहे हैं ऊनो, रिदा ने अपने कार्ड दे दिए मुझे जो इसके पास इतने सारे हो चुके हैं। मैं गई हूँ जीत, मैं और माला, अब रिदा और माला की गेम चल रही है। रिदा देगी अब कमेंट्री थोड़ी सी, पकड़ो रिदा। चलो भाई, तो अभी अभी बारिश पड़ के खत्म हुई है, हम लोग नहा धो चुके हैं, रिदा हैज ऑल्सो टेकन बाथ, पढ़ भी लिया है रिदा ने अपना बैठ के। अभी हम जस्ट, रिदा वाज आस्किंग मी फॉर अ रेनबो, कि रेनबो निकलेगा कि नहीं, सो वी जस्ट गोइंग टू गो अपस्टेयर्स एंड विल सी। हेलो, यू वांट टू सी द रेनबो? या, क्योंकि अभी ना वो भी आ गया है, सन भी आ गया है, रेनबो तो देखने चलते हैं। मुझे नहीं पता है ये आया कि नहीं। हेलो, है रत्सी? कहीं निकला है? नहीं निकला भाई, धूप तो निकल गया कड़ाके की, सूरज वूरज, बट रेनबो ना निकला कहीं पे। हम तो बच्चे को सोच रहे थे रेनबो दिखा। चाचू में पैन आई, रेनबो नहीं निकला भाई कहीं पे भी, आसमान खाली है बिल्कुल। जो इतने मैंने कितने छिपकली दिख गई ना, मैं उतना ही जंप मार जानी है। क्या मच्छर काट रहे हैं? ये लो, तो पापा मम्मी आ गए हैं ऊपर, और चांद देखो कितना प्यारा लग रहा है। मेरे को तो आने से पहले ही काट गया था। इधर कुछ नहीं होता बाबू। दादू तो बिल्कुल ही पैर एकदम खिलाने के लिए बैठे हैं। हाँ, वो पहले पूरा बताला नहीं ना। चलो जी, चल जी, व्लॉग भी आने वाला है। हाँ, ला लियो तुसी, ठीक है जी? हाँ जी, सुना दिए। हाँ जी, सुना दिए, लोकां नूं सुना दो। हाँ, आज के समय में सुख का मतलब है सिर्फ इतना कि आप डॉक्टर और वकील को ना ढूंढें। सुख का मतलब है आप डॉक्टर और वकील को ना ढूंढें, और पुलिस आपको ना ढूंढे। समझ आया लोगों? ठीक है, बेचारे जो डॉक्टर वकील देख रहे होंगे वो हमें, बाबा वो बोलेंगे कि क्या है सुख। सुख का मतलब सही बात है। चलो रिदा, लगा लो, तुम तो लगा लो। हाय पापा, आंधी क्लास लैन लागे की हो गया? हेलो हेलो, हाउ आर यू? रिदा हैज बीन द बेस्ट गर्ल टुडे। लाइट आ रही है, किस चीज की आ रही है? रिफ्लेक्शन आ रहा है, मेरी चार्म इतना, मेरा ग्लो इतना है ना। हाय, नहीं सच्ची दोस्तों, मैंने ये शर्ट दिलवाई थी इनको, नई, इन्होंने मेरे को थैंक यू तक नहीं बोला। इट वाज माय बर्थडे बट वी शॉपड फॉर हिम। मेरे ऑफिस में पूछ रहे हैं लोग चंडीगढ़ में कहाँ गए थे, फिर उसका शॉपिंग करी, नई शर्ट ये वही वाली है, तुम मुझे बोल रही हो कि थैंक यू नहीं बोला मैंने, दुनिया को बता दिया। दुनिया को क्या, दुनिया को दिखाया है तुमने, मुझे थैंक यू तो नहीं बोला एक बार? थैंक यू बोला मैंने तुम्हें। रहने दो यार, माय वेज ऑफ सेइंग थैंक यू इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द कैमरा। थोड़ा बहुत मसाला।
ऐसा कुछ है नहीं, मतलब है कुछ है। क्लास लगने वाली है अगर इससे कुछ गला गलत करो गला काटा नहीं गला। और आज जैसे आप वो बोलने वाले थे वैसे ही मम्मा ने बोल दिया कि मैं अच्छी बोल थी और मैं थी। इतनी पढ़ाई करी मजा आया। You had a good day. बस आराम से बेटा तुम्हारा डर ही लग रहा था। ने शाउट किया, you had a good day, we had a good day, right? है ना? Best तो ऐसे ही बन के रहना है। भाई ग्रेड हिल ही चल रहे हैं। थोड़े दिन पहले रिदा गिरी और उसके नेक्स्ट दिन ही पापा गिर गए। And पापा has hurt himself on the back. सीढ़ी से बेबी ये खुला हुआ है ना, यहाँ से खोल सकते हैं। मैं खोलता हूँ, हटो। Just move रिदा, I will open it. हाँ मैं क्या कह रहा था, पापा गिर गए और उनको चोट लगी है बम्प पे। तो भगवान ने बम इसीलिए दिए होते हैं। भगवान ने बम कहते, भगवान ने बम इसीलिए दिए होते हैं कि अगर हम गिर जाएं तो हमारे बम वो ले ले। हाँ, बट उनको दर्द हो रही है। दर्द तो हो रही है। पूछते हैं एक बार आज लगाई है कि नहीं लगाई है उन्होंने। How are you feeling दादू now? थोड़ा सा डॉक्टर नहीं ऐसी बात नहीं, वो गिरे हैं तो थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। हाँ ये तो है। केसरी मलम वो ठंडा देती है, गर्मी रहती है उसमें भी। अच्छा चल बढ़िया। क्या देख रहे हैं कथा? अच्छा देखो भाई लगा लो भाई, माता किस चीज में बिजी है इतनी? अच्छा ओके ओके। सो कल हमारे घर में आ रहे हैं गेस्ट और मेरी दो कजन्स आ रही हैं जम्मू से। सो विल मेक यू मीट देम टुमारो। तो उसी की तैयारी चल रही है, मम्मा अपनी तकिया वकी और ये सब चीज़ें ठीक कर रही हैं ताकि वो लोग जब आएँ तो वी हैव एवरीथिंग रेडी। क्या खा रही है? रोटी। माला और की खाना मैं। माला बेटा मेरा टिफिन पूरा भरा हुआ है आज। क्यों? मैं खाया नहीं तो मेरे को टिफिन दे दो। मेरे को मेरे टिफिन दे दो। मेरे को आज बड़े स्नैक्स खाए मैंने। तेरी साइड है। आज मैंने सारी इंटरमिटेंट का हिसाब किताब खराब कर दिया। मैंने केक मुझे बता रहे हो, बहुत खुशी है कि मैंने ऑलमोस्ट 63 से शुरू किया था और आज मैं 59 पॉइंट कुछ हो गई। तो मैं मशीन पर लड़ी 59 देख के इतनी खुशी हुई। मम्मी ने शाम को ब्रेड पकौड़े कर दिए। तो ये होम वाला घर में ये बड़ा चल रहा है, वेट का चल रहा है सबका। सब लोग थोड़ा कॉन्शियस हो रहे हैं, बट आई एम लाइकिंग इट। माला रो रही है और उसने मेरी छोटी भाई का बीज ऊपर के दिया ना। क्या भाभी का कैसे काम हो गया? मुझे जेलस हो रही है भाई। तुमको भाभी से अपनों से कोई जेलस होता है क्या? पगली माला मैं तेरी की रोटी खाऊंगी। कौन बोलता था ऐसे? पगली मलिक बोलता था, हमारा एक फ्रेंड है, वो ऐसी बात करता था हर किसी से। अपनों से कोई जेलस होता है क्या? पगली दो लोग एक ही काम कर रहे हैं, अब किसी के ज्यादा है किसी का काम, ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है बेटा। मम्मी आप क्यों हंस रहे हो इस पे? भाभी ज्यादा काम करती है, आप क्यों हंस रहे हो? अच्छा जेलस पैस रही हो। मेरा बेटा टिफिन खोल के मेरे को दे दो, आज खाया नहीं मैंने। ये गुड नाइट दादू है, ये हैं दादू है, ये मस्ती में आई है। गुड नाइट दादी। रची लास्ट 4 डेज, फिर उसके बाद स्कूल ओपन। रिदा तो एंजॉय स्कूल है ना, शी हैज गुड फ्रेंड्स। चलो जी ओके बाय गुड नाइट। क्या कह रहे हैं? बुला रहे हैं। आजकल हमारी नई एडिक्शन हो रखी है ऊनो। चलो जी सब बैठे हैं, ऊनो खेल रहे हैं। चलो चलो मस्त गेम चल रहा है एकदम, मजे आ रहे हैं। आ रहे हैं बहुत मजा आ रहा है। फैमिली टाइम इज द लवलीस्ट टाइम आई लाइक। अच्छा किसकी बारी है? आपकी ही बारी। मेरी बारी थी भाई। किसके बाद मेरी आएगी ना रिदा के बाद? अच्छा तुम्हारी। अरे नहीं रिदा के पापा आ गए।
सो सबसे पहले जीती रिदा, फिर मैं, फिर माला और लास्ट आए हैं हमारे प्यारे राहुल सेठी। और रो रो के उनकी है बुरी हालत, पूरा पेट हिलता पे आएगा। चलो चलो लेट्स प्ले अगेन, दोबारा खेल दे। हेलो, ये पढ़ाकू बच्चे देख लो, 12:30 हो रहे हैं अभी तक। जब सोने का नाम आया तो बच्चे बोल रहे हैं हमने पढ़ाई करनी है, बट रिदा इज रीडिंग सो वेल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू रिदा। She's just gone on me यार, I am so मतलब happy। मेरे को लगता है, मेरे को सोचने में ऐसा आता है कि बंदे की जवान हिल भी कैसे जाती है ऐसी बातें करते हैं। क्या? ऐसे ऐसा भी नहीं, हिलनी भी नहीं चाहिए जब ऐसी बातें करते हैं। जितना मेरी वजह बोलने से यहाँ पे इस घर में वो है ना चैक पैक, जहाँ मेरी जबान नहीं चलनी बंद हुई ना। मैं जबान चलनी इस चीज के लिए बोल रही हूँ। तो हैप्पी बर्थडे रीटा जी, आप हमारे बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारे नई आंटी हैं, बहुत ही बहुत ही बहुत प्यारे सब्सक्राइबर रहे हैं, बहुत टाइम से हमें देख रहे हैं, आपके रेगुलर मैसेजेस आते हैं हमें, और आज आपका मुझे इंस्टा पे मैसेज आया, बट लेट हो गए थे हम बिकॉज मैं अपना व्लॉग एक्सपोर्ट कर चुकी थी, बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर कॉन्स्टेंट सपोर्टर एंड व्यूअर। होगी थोड़ी गल्ला और जो क्लास के बच्चे नहीं होते गंदे जे, जे टीचर बोलती होंगी है बच्चे पिछों कन्ना च गल्ला करते रहते हैं वो वाले बच्चे ने। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। मे यू हैव अ फिर इसी नोट पे करते हैं व्लॉग खत्म, एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आप सबकी इतनी सारे मैसेजेस आए रिदा के लिए, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों की जो केयरिंग नेचर है, ब्लेसिंग्स है, जिसने भी किया। हैप्पी बर्थडे रीटा आंटी, आई लव यू, गुड नाइट एवरीवन, आई लव यू, मिस यू, जल्दी से मेरे घर आना, सुखी रहो सारे लोग, बाय, हटाट हटाट, सुखी रहो, बाय, आस्ता पला, सारी हो गया आज।